सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जिस तरह हमने ट्यूबवेलो में जो है पिछले दो साल से अब तक कोई भी कर नहीं लगने दिया, हमें आदेश दे अखम कम मुंह में डिजिटल मीटर ना लगन दे। ये जो और हमारे पे गले बिजली का और कर्जा ठेका लग रहे, बैंकों का कर्जा ठेका लग रहे, फसल को किसानी को खेती को घाटे का सौदा बना रहे ताकि अगला नौजवान आने वाली पीढ़ी खेती से विमुख हो जाए, और विमुख होगी तो जमीन बेचेगी, जमीन बेचेगी तो देश का औद्योगिकरण करना, पूंजीवाद की नीति चल रही। जो पार्टी नीलवालों का समर्थन करती हो वह क्षेत्र में जाकर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, भाई ना बढ़न देंगे। ये किसान बदला भी लेगा और किसान ये पलटा भी मारेगा। ये जाएंगे जम्मू से भी जाएंगे, हरियाणा से भी जाएंगे, इनके पलटा सब जगह लगेगा। तू के तेरे सवाद पे दुनिया ने सितम तोड़ दिया, दिया शेख ने दीन और ब्राह्मण ने धर्म छोड़ दिया, जब ना मिला तेरा रुक तस्वीर का जवाब, बस तुझे बना के मुसब्बिर ने कलम तोड़ दिया, दिया। ताड़ी हो जानी चाहिए चौधरी साहब के नाम की। झूठे वादे करता कन्या हर बात्रा का ध्यान कर, धर्म न देख सबका आदर मान कर, भाई की पढ़ाई सारे हिंदू मुसलमान कर, भाई की पढ़ाई सारे हिंदू मुसलमान कर, भाई की पढ़ाई सारे हिंदू मुसलमान कर। किसान का शोषण चाहे बैंक हो, थाने हो, तहसील हो, बिजली हो, हर जगह किसान का शोषण हो रहा, और बिजली वालों ने तो बिल्कुल अन्याय कर दिया। एक डिजिटल मीटर लगाने की स्कीम बना रही, मैं तो अपने भाइयों के नेतृत्व से आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमें आदेश दें अखम कम मुंह में डिजिटल मीटर ना लगन दें। जिस तरह हमने ट्यूबवेलों पर जो है पिछले दो साल से अब तक कोई मीटर नहीं लगने दिया, वो हमारा दम नहीं था बल्कि हमारी भारतीय किसान यूनियन का दम था। और मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहता हूं कि हर भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अपने मकान पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाने का काम करे। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जिससे कोई अगर कर्मचारी गांव में घुसे और तुझे ये पता रहे कि इस गांव में भारतीय किसान यूनियन भी है और वो किसी का के साथ कोई अन्याय ना कर सके। जिस जिस किसान का क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उन पर से सभी बैंक वालों ने 1180 रुपए काट रखे और वे काट रखे ऑडिट के नाम पर। उस पर पिछले जो जिला मैं किसान गोष्ठी हो डीएम के यहाँ पर, उस पर हमारे राकेश विजय जी ने भी चर्चा करी थी, लेकिन उस पर कोई भी अब तक अमल नहीं हुआ। बहुत मोटा पैसा किसानों से लिया जा रहा, किसान उस पर ध्यान नहीं दे रहे। पहली बात तो 1-2% ही लिखे भाई, किताब खोल गए कहीं कहीं से कट रहे, 5-7 हजार रुपये खाता खोलने के नाम के काट दिए जहाँ क्रेडिट कार्ड वालों पता है। तो मेरा सभी जिलाध्यक्षों से निवेदन है आप अपने जिले पर जाकर इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मासिक पंचायत जो है पिछले 36 सालों से चली आ रही, बड़े बाबा के आगे से ये जो है शुरुआत हुई थी। ये अपने एक क्षेत्र की, अपने समाज की, अपने जो है
जो हमारे कार्य है उनके विचार विमर्श के लिए एक महीने में एक 17 तारीख का आयोजन करा जा, जिसमें जो हमारे क्षेत्र की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, उन पर यहाँ से सबका समाधान की ओर, निस्तारण की ओर लेकर चलें अपनी समस्या सभी लेखा में। और हमारे चौधरी साहब इसमें जो है अपनी प्रतिक्रिया रखें और आदेश दें, उनका निस्तारण हो जाए। किसान की स्थिति आ रही है जी, आज फुटपाथ पर आज किसान को कोई भी कहीं भी घास नहीं गिर रहा। किसान की स्थिति आ रही, महंगाई इतनी बढ़ गई इसे चमन पर पहुंच गई। किसान इतना दुखी है, खाद उसे टाइम पर नहीं मिलता, दवाई उसे टाइम पर नहीं मिलती, सुविधा उसे सरकार दे नहीं रही, क्रेडिट कार्ड पर उन्हें खाद नहीं मिल रहा सही। इर्जा नु कह रहे फल दे रहे, हरियाणा में किसान यहाँ इर्जा सोखे में चलेगा, पानी की व्यवस्था नहीं बनी, ऊपर से बारिश नहीं हुई, वहाँ माफ़ कर दिया। यहाँ किसानों के लिए कोई पूरी यूपी में कोई माफ़ नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कोई सरकार ने ये नहीं सोचा। कहले के बाद सूखा ग्रस्त करके कहले के ने माफ़ कर दिया, जाने पड़ते कर्जा माफ़ कर दिया, पर नहीं, ये तो और ही हमारे पे कहले बिजली का और कर्जा ठेका लग रहे, बैंकों का कर्जा ठेका लग रहे। हमारे तो किसान को तो ये सिर्फ ऐसी जगह बिछा देंगे जो जिंदगी में जो उभर ही नहीं सकता। भाई सरकार जो है, सरकार है किसान विरोधी, सरकार की नीति किसान के हक में है ही नहीं। वो बिजली के मुद्दे पर मान लो, या जो अधिग्रहण हो रहा अलग अलग प्रोजेक्टों में, सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया गया था किसानों की सुविधा के लिए, लेकिन उसके सारे क्लोज हटा दिए। जब से ये वर्तमान सरकार सत्ता में आई वो एक्ट बिल्कुल धूमिल कर दिया, जितने भी किसानों के हित के क्लोज थे वो सारे हटा दिए, किसान की जमीन को लूटने का षड्यंत्र चल रहा। और यही फसल का भाव ना देना, रेट ना बढ़ाना, एमएसपी गारंटी ना देना, क्योंकि फसल को, किसानी को, खेती को घाटे का सौदा बना रहे, ताकि अगला नौजवान, आने वाली पीढ़ी खेती से विमुख हो जाए। और विमुख होगी तो जमीन बेचेगी तो देश का औद्योगिकरण करना, पूंजीवाद की नीति चल रही। और मेरी तरह आए है कि जो स्थिति 1987 में थी वही स्थिति दोबारा आती जा रही। आप एक पंचायत खेड़ी परमो बिजली करते शुरुआत करें और इस समस्या का समाधान कराएं। लोग पीड़ित हैं और यहीं तक नहीं बात सीमित, 3,000 रुपए पे किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे, बहुत दुखी हो गए किसान। ये बात है 3,000 रुपए के ऊपर तो कनेक्शन काटे जा रहे और हमारी सरकार के कानून पर चूम नहीं रेंग रही, आंधी वही बैठी। श्यामली मिल की मिल 3 मिल है श्यामली में और 550 करोड़ रुपया बका है, जिसमें 214 करोड़ रुपया तीसरा सीजन चालू हो जाएगा और ईपी सरकार लिपा पोती में लगी हुई है, कभी 25 सितंबर, कभी 21 सितंबर और कभी 30 सितंबर की आश्वासन दे रही। कोई पार्टी हो या कोई भी हो, जो पार्टी नील वालों का समर्थन करती हो वह क्षेत्र में जाकर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, भाई ना बढ़न देंगे। और जो पार्टी किसानों का समस्या का समाधान करती हो और उनके पक्ष में बोलती हो उनका आदर करें। गांव को गांव, संगठन को मजबूत करना, इनकी नजर जमीन पे है। जमीन पे आप हो रहे खुश के जमीन महंगी होगी, महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है, सस्ती जमीन किसान, फसल सस्ती जमीन महंगी और कर्जा कितना ही ले लो कहां से पूरा पाड़ोगे। हरियाणा बहुत मददगार है, टाइम आ गया उनका उधार सा तारने का, बदला ले लो बदला,
और पलटी मरवा दो एक बार वहां को हिम्मत नहीं करवा दो, महीने एक का झटका मरवा दो। डंगवारा भी तो करते थे, रिश्तेदारी अठवाड़िया हरियाणा में ही बन जाओ। वे बदला लेंगे अब की बार। 750 किसान शहीद हुए हैं, ये किसान बदला भी लेगा और किसान ये पलटा भी मारेगा। अठवाड़िया तो होते थे ना पहले भी, अपना जाओ चक्कर लगा दो वहां पे, उनका भी लाना तो उतर जाएगा। काम तो उनका बनी रहा था और हादसा लग जाएगा। और पलटा घास पत्थर जब हो जाना बेगा पलटे के थोड़ा घास भी खत्म नहीं होता। ये जाएंगे जम्मू से भी जाएंगे, हरियाणा से भी जाएंगे, इनके पलटा सब जगह लगेगा। इनकी नजर जमीन पे है, जमीन पे आप हो रहे खुद के जमीन महंगी होगी।